मीरा जी का लड़का अब एक अच्छी नौकरी करने लगा था और मीरा जी बड़ी उत्सुकता के साथ अपने लड़के अनिल के लिए रिश्ता ढूंढने लगी थी। काफ़ी दिनों की कड़ी मशक्क़त के बाद मीरा जी को एक लड़की जिसका नाम कविता है पसंद आ गई। कविता देखने में बहुत ही सुंदर और सुशील थी और कामकाजी भी थी। मीरा जी की इच्छानुसार कविता एक सर्वगुण संपन्न लड़की थी जिसकी वजह से मीरा जी को वह अनिल के लिए पसंद आ गई और बहुत ही जल्द कविता और अनिल की शादी भी हो गई और नई नई बहू मीरा जी के घर में आ गई। कविता का शुरुआती हफ्ता तो बहुत ही अच्छा गया। उसे भी लगने लगा कि मीरा जी उसकी सास नहीं बल्कि उसकी सहेली हैं, उसकी बड़ी बहन है। पर सास तो सास होती है, जैसा कि हर घर में होता है। सास अपनी बहू के आने के बाद अपना रिटायरमेंट ले लेती है। अब यह बात अलग है कि रिटायरमेंट वह सिर्फ घर के कामों से लेती है और किसी से नहीं। सिर्फ काम के अलावा तो बाकी पूरा घर और उस घर के सदस्य और उस घर में होने वाले सभी फैसले सास के ही कब्जे में होते हैं। फिलहाल कविता एक सर्वगुण संपन्न बहू थी। वह बहुत ही अच्छा खाना बनाती थी और घर के सभी काम भी बखूबी करने लगी थी और उसे ऐसा लगने लगा था कि वह मीरा जी को बहुत ही जल्द खुश कर लेगी और उनका दिल जीत लेगी। पर इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि कोई भी बहू आज तक अपनी सास को ना तो समझ पाई है और ना ही कभी खुश कर पाई है। बहू चाहे घर के लिए कितना भी कुछ कर ले पर वह अपनी सास को कभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं कर पाएगी। और यहाँ भी वही हुआ। कविता की सास मीरा हर वक्त किसी न किसी बात पर कविता को ताने मारती ही रहती थी, टोकती ही रहती थी। उसके हर काम में, हर खाने में कुछ न कुछ कमी वह जरूर निकालती रहती थी। कभी चाय में चीनी ज़्यादा होने की कमी, कभी सब्जी में मसाला या तेल ज़्यादा होने की कमी, तो कभी ससुर जी का ध्यान रखने में कमी। मतलब कि कविता में सिर्फ कमी ही कमी है। जबकि कविता अपनी पूरी जी जान लगाकर हमेशा यही कोशिश करती रहती कि मैं सारा काम अपनी सासू माँ के हिसाब से ही करूँ। पर अंत में कविता को अपनी सास मीरा के ताने ही सहने पड़ते और जब बहुत ज़्यादा हो जाता तो कविता अपने कमरे में जाकर अकेले में रोती। कविता के दिन बहुत ही दुख भरे गुजर रहे थे। उसने अपनी सास को अपनी सहेली समझा था। उसे लगा था कि वह बहुत ही कम समय में अपनी सास को अपना बना लेगी, पर वह गलत थी। वह बहुत ही मजबूर हो गई थी क्योंकि वह अपना दर्द किसी से नहीं कह पाती थी। अगर पति से कहती तो उसे लगता कि कविता उसकी माँ की बुराई कर रही है और उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इसलिए कविता अकेले में ही रोती रहती और काम करती रहती। कुछ दिनों के बाद कविता की सास मीरा ने कविता के साथ एक नया खेल शुरू कर दिया। जब भी कविता खाना बनाने की तैयारी करती तो मीरा अपनी बहू से कह देती कि आज खाना थोड़ा कम बनाना, मुझे भूख नहीं है। तो कविता भी अपनी सास की बात मानकर खाना कम बनाती और जब अंत में खाना टेबल पर लगाती तो कविता की सास आकर सबसे पहले बैठ जाती और खाना खाने लग जाती। फिर अच्छे से खाना खाती और बची हुई सब्जी अपने बेटे अनिल की थाली में डाल देती। अनिल को पता ही नहीं रहता था कि अब और सब्जी नहीं है। कई बार कविता के लिए सब्जी ही नहीं बचती और उसे सूखी रोटी ही खानी पड़ती। कुछ दिनों तक कविता को यह खेल समझ ही नहीं आया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसकी सास यह जानबूझकर करती है। तो कविता ने अपनी सास को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब सोची। अगले दिन जैसे ही कविता की सास ने कविता से बोला, कविता चार नहीं सिर्फ तीन ही आलू की सब्जी बहुत है, मुझे तो वैसे भी भूख नहीं है, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर क्या, इतना सुनते ही कविता ने भी इस बार बनाई तो तीन ही आलू की सब्जी, पर सब्जी को टेबल पर लगाने से पहले ही उसने अपने हिस्से की सब्जी पहले ही निकाल कर किचन में रख ली और टेबल पर खाना लगाने के बाद सभी को खाना खाने के लिए आवाज़ भी लगा दी। इस बार भी हर बार की तरह वही हुआ। कविता की सास मीरा सबसे पहले आकर टेबल पर बैठ गई और जैसे ही उसने सब्जी खोलकर देखी तो वह चौंक गई और कविता से पूछने लगी कि आज सब्जी बहुत कम क्यों बनाई हो। तो कविता ने भी जोर से बोल दिया कि हाँ माँ जी, आपने ही तो कहा था कि आपकी तबीयत कुछ गड़बड़ है और आज आप खाना नहीं खाएंगी, आपको भूख नहीं है, तो मैंने सब्जी थोड़ी कम ही बना ली क्योंकि ज़्यादा बनाकर फेंकने से क्या फ़ायदा। इस बात पर अनिल ने भी हामी भर दी। पर अब इतना सुनते ही मीरा के होश ही उड़ गए क्योंकि सामने उनका बेटा अनिल बैठा था। अब वह बोलती भी तो क्या, और कविता भी अंदर रोटी सेंक रही थी। अनिल ने जब यह सुना कि माँ की तबीयत गड़बड़ है तो उसने ज़बरदस्ती करके माँ को एक ही रोटी खिलाई ताकि ज़्यादा खाना खाने से उनकी तबीयत
और न खराब हो जाए। अब मीरा को तो भूख लगी थी, पर वह अपने बेटे से कुछ कह न पाई और हाथ धोकर अपने कमरे में चली गई। सभी को खाना खिलाने के बाद कविता भी अपनी प्लेट लेकर खाना खाने बैठ गई। अपने कमरे से ही कविता की सास ने कविता के प्लेट की तरफ देखा और उसमें सब्जी देखकर वह सारा मामला समझ गई। खैर, कविता ने बड़े दिनों के बाद अच्छे से खाना खाया। सभी लोग खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए, पर मीरा को तो आज भूखा ही सोना पड़ा और सारी रात वह भूख से तड़पती रही और उन्हें यह एहसास भी हो गया कि वह अपनी बहू को बेवजह ही टोकती रहती थी और परेशान करती थी। इसलिए अगली सुबह से उन्होंने अपनी बहू कविता को टोकना पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि वह समझ गई थी कि उनकी बहू बहुत समझदार है और अब कविता भी अच्छे से मन लगाकर घर को संभालने लगी थी। उसे भी अब अपनी सास के रूप में एक सहेली मिल गई थी। ऐसा क्यों होता है, क्यों सास अपनी बहू पर बेवजह ही जुल्म ढाती है? आखिर सास भी तो एक औरत है, वह भी तो कभी अपने ससुराल की नई बहू थी, तो उसे एक बहू के दर्द और तकलीफ क्यों नहीं दिखती? सास को हमेशा बहू के रूप में एक बेटी मिलती है, पर बहू को हमेशा सास के रूप में एक जानी दुश्मन क्यों मिलती है? तो अगर आप भी एक सास हैं तो अपनी बहू को एक बेटी का दर्जा देने की कोशिश जरूर करें, क्योंकि जिस घर में बेवजह के कलह होते हैं वहाँ उन्नति नहीं होती है। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे ही लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस के और सभी नई कहानियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।